हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं निमिषा माधव स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल किचन टू कोचिंग में। फ्रेंड्स, जो करेंटली पैंडेमिक की सिचुएशन चल रही है, उसमें सबकी हेल्थ का ध्यान रखते हुए हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस समय हम लोग फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कंज्यूम करें। वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हम उसको किस किस तरीके से, और बोर ना हो तो कभी हम रॉ कंज्यूम करें और कभी हम उसका कुछ सैलेड बना लें या कुछ इस तरीके से कंज्यूम करें। बट डेली कंजम्पशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इस समय नीड ऑफ द आवर है इम्यूनिटी को बढ़ाना। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जितना भी हो सके हमें विटामिन सी को कंज्यूम करना है। तो मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, वो मैं दो सैलड्स की रेसिपी शेयर करूँगी जिसमें हम इम्यूनिटी बूस्टर फ्रूट और सैलड दोनों चीज़ों का यूज़ करेंगे। और एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ भाई, पार्टीज में जब भी हम जाते हैं तो मेरा तो मेन अट्रैक्शन होता है वो जो बड़ी सी टेबल लगी होती है जहाँ पर बहुत सारी वैरायटी के सैलड्स लगे होते हैं, तो मुझे तो बहुत टेम्पटेशन होती है और मुझे लगता है कि बस जाके वहीं सैलड की एक एक वैरायटी को टेस्ट करती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना हमारे दोनों पर्पस सॉल्व हो जाए, भाई हम फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंज्यूम करेंगे तो जो हमारी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा होगा, प्लस हमारी टेस्ट बड्स भी पैम्पर होंगी। तो फिर इंतजार किस लिए करना है कि हम किसी पार्टी में जाएं और वहां जाकर हमें जो सैलड खाने हैं वो खाएं। तो चलिए फिर आज घर पर ही बनाते हैं इम्यूनिटी बूस्टिंग फ्रूट्स के साथ, वेजिटेबल्स के साथ अपने सैलड्स, और पार्टी का भी मजा ले लेते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं फिर जल्दी से। रशियन सैलेड बनाने के लिए ये मैंने एक खीरा लिया है, उसको डीसीड करके मैंने डाइस में कट कर लिया है। ये मैंने एक कप पाइनएप्पल लिया है, उसको भी डाइस में कट कर लिया है। ये मैंने एक बड़े साइज का आलू लिया था, उसको डाइस में इस तरीके से कट करके और लगभग 3 से 4 मिनट के लिए बॉइल कर लिया था। ये मैंने एक बड़े साइज की गाजर ली है, उसको भी डाइस में कट करके 2 मिनट के लिए बॉइल कर लिया था। ये आधा कप मटर लिया है मैंने, फ्रेश मटर, उसको भी लगभग 2 मिनट बॉइल कर लिया था। ये 3/4 कप मेयोनीज है, साथ ही हमें सीजनिंग के लिए चाहिए होगा 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून ही मैंने ब्लैक पेपर पाउडर लिया है। तो चलिए अब इसको रशियन सैलेड को बनाते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स हम सारे एक मिक्सिंग बोल में डालते जाएंगे। अब इसमें हम मेयोनीज को ऐड कर लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देते हैं, साथ ही ब्लैक पेपर ऐड कर देते हैं, मिक्स कर लेते हैं। और अब ये बिल्कुल सर्विंग के लिए तैयार है हेल्दी एंड डेलीशियस रशियन सैलेड। इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए बनकर बिल्कुल तैयार है, बहुत ही हेल्दी टेस्टी और झटपट तैयार होने वाला हमारा रशियन सैलेड। इसको आप जरूर से घर पर ट्राई करें। और अब नेक्स्ट हम जो सैलेड बनाने वाले हैं वो है किचन टू कोचिंग स्पेशल बीटरूट सैलेड, जो कि बहुत ही हेल्दी वर्जन है। चलिए उसके लिए अब इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये मैंने 1 कप फ्रेश मटर लिया है, उसको ब्लांच कर लिया है। ये 1 बड़े साइज का गाजर लिया है, उसको भी मैंने डाइस में कट करके ब्लांच कर लिया है। ये मैंने 1 शकरकंदी ली है, उसको मैंने बेक कर लिया है माइक्रोवेव में। आप चाहें तो इसको बॉईल करके भी यूज कर सकते हैं। ये 2 टेबलस्पून मैंने फिटा हुआ दही लिया है, 1 चम्मच शहद लिया है,
खीरा लिया है उसको भी डाइस में कट कर लिया है, और ये बीटरूट लिया है जिसको मैंने दो विसिल लगा लिया था और उसके बाद इसको छील कर मैंने ग्रेट कर लिया है। ये हाफ लेमन का जूस लिया है, सीजनिंग के लिए मैंने नमक लिया है एज पर टेस्ट, और हाफ टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर पाउडर लिया है। तो चलिए अब इस हेल्दी सैलेड को बनाना कैसे है वो देखते हैं। तो मिक्सिंग बोल में हम सारे इंग्रेडिएंट्स डाल लेते हैं पहले। अब इसके बाद हम इसमें ऐड कर लेते हैं लेमन जूस, हनी, दही, सीजनिंग, और अब इन सबको हम एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे। इसमें हमें कर्ड बहुत ज्यादा ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस इतना ही डालना है जितने से बाइंडिंग हो जाए, बस सारी चीजें एक साथ मिक्स हो जाए। और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल बीटरूट का कलर आया है, ये बहुत ही टेम्पटिंग लगता है बीटरूट, अदरवाइज बच्चों को खिलाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बॉईल करने से उसकी थोड़ी सी जो थोड़ा डिफरेंट सा फ्लेवर होता है उसका वो निकल जाता है, और ये बच्चे आराम से खा लेते हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है और काफी फिलिंग भी है। ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, झटपट बन जाता है, इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए एकदम बनकर तैयार है बहुत ही हेल्दी किचन टू कोचिन स्पेशल बीटरूट सैलेड। अगर आज का सैलेड वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और इसको जरूर से बनाकर ट्राई करें और मुझे कमेंट में लिखकर बताएं कि आपको हेल्दी ऑप्शन बीटरूट वाला ज्यादा पसंद आया सैलेड या रशियन सैलेड पसंद आया। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं फिर जल्दी ही एक और बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।